गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 पेज नंबर 25। और हमारी आज की हेडिंग है बेटा एनिमल हस्बेंड्री। देखिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है। बेटा ध्यान से सुनेंगे, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विद द फीडिंग केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। देखिए एनिमल हस्बेंड्री जो है आपकी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की। क्या बेटा? एग्रीकल्चर की ब्रांच है जो डील करता है फीडिंग केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जिसके अंदर आपके थ्री स्टेप आएंगे, फीडिंग केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। दिस इज नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंडिंग मीन्स, अब देखिए इसके अंदर एनिमल्स आपको बताया क्या होते हैं एनिमल्स, ठीक है। हस्बेंड्री का मीनिंग क्या होता है? हस्बेंडिंग का मीन्स क्या होता है? मीन्स टू यूज ए रिसोर्सेज केयरफुली एंड विदाउट वेस्ट। क्या रिसोर्सेज को बेटा क्या करना? यूज करना। क्या करना? यूज ए रिसोर्स केयरफुली एंड विदाउट वेस्ट। तो आपके रिसोर्स को क्या करना बेटा? केयरफुली यूज करना विदाउट वेस्ट। दस एनिमल फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री रिक्वायर प्लानिंग फॉर डोमेस्टिक एनिमल शेल्टर। देखिए इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर रिक्वायरमेंट होती है बेटा प्लानिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स की। किस तरीके से आप डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के दौरान, किस तरीके से उनकी शेल्टर, ब्रीडिंग, हेल्थ, डिजीज कंट्रोल एंड प्रॉपर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा आज की डेट में बेटा बहुत सारे क्या होते हैं, आपको पता है इकोनॉमिकली क्या किया जा रहा है, एनिमल्स का यूज किया जा रहा है। जैसे कि आपका कैटल प्रोडक्शन हो गया, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग और बी कीपिंग, इनका क्या होता है बेटा पालन किया जाता है ताकि इकोनॉमिकली इनसे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो अब आपने देखा एनिमल्स आपने क्या करे, शेल्टर तो कर लिए लेकिन आप उनकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो एनिमल्स के लिए प्रॉपर शेल्टर की जरूरत होती है, ब्रीडिंग, हेल्थ डिजीज कंट्रोल एंड प्रॉपर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन। उन्हें कोई बीमारी ना हो, उन्हें प्रॉपर भोजन प्राप्त कराना, उन्हें डिजीज से दूर रखना, प्लस उनके रहने और खाने की सही ढंग से व्यवस्था करना। आवर डोमेस्टिक एनिमल और लाइव स्टॉक इंक्लूड दोज एनिमल विच आर रेस्ड फॉर पंप अप। देखिए हमारे क्या है आज की डेट में जो रेज हो रहे हैं वो एनिमल्स जो फार्म पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपका कैटल है जिसके अंदर आपके काव, बुल और ऑक्स आते हैं, बफेलो, याक, हॉर्स, एस, गोट, शीप, कैमल, ये आपके ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके फार्म पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। आपने देखा मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना होता है बेटा? कैटल प्रोडक्शन के करना होता है, ठीक है। अगर आपने देखा कई लोग क्या डेयरी खोल लेते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन कराते हैं बेटा लार्ज एरिया पे, ठीक है, लार्ज लेवल पे आपका क्या होता है मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो वो क्या करते हैं बेटा, किन्हें पालते हैं? बहुत सारी गायें, अगर वो गाय का दूध बेच रहे हैं तो गायें लेंगे, और अगर बफेलो का तो बहुत सारी बफेलो को क्या किया जाता है आपके प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन हो सके और इकोनॉमिकली आपका क्या हो सके बेटा, फायदा हो सके। सेकेंड हेडिंग है आपकी कैटल फार्मिंग। इन इंडिया कैटल, काव एंड बफेलो आर नेक्स्ट टू लैंड इन यूज फॉर फार्मर। देखिए आपने देखा है मोस्टली आपके गांव में, इवन सिटी में भी क्या होता है बेटा, आपकी काव और बफेलो को मिल्क के लिए क्या किया जाता है, पाला जाता है। ह्यूमन बींग डोमेस्टिकेट टैम और मिल्क। क्या मानव जो है बेटा इन्हें क्या करता है, पालता है, किसके लिए? मिल्क के लिए। आल्सो फॉर मीट, लेदर एंड ट्रांसपोर्टेशन। कुछ लोग इसे मीट, लेदर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दस कैटल रेजिंग इज डन टू फुलफिल द स्पेसिफिक नीड फॉर डेयरी ब्रॉड और ड्यूअल पर्पस ऑफ ब्रीड। जेनरिक नेम ऑफ काव इज बॉस इंडिगस। इट इज अडेप्टेड फॉर ड्राई रीजन्स ऑफ कंट्री सच एज गुजरात एंड राजस्थान। बफेलो इज कॉमनली कॉल्ड इंडियन वाटर बफेलो। इट जेनरिक नेम इज ब्यूबेलिस। इट इज वेल अडेप्टेड फॉर वेट एरिया एंड रिवर बेड फॉर केरला, बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। देखिए आपकी काव और बफेलो को क्या किया जाता है, मिल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा मिल्क के लिए मोस्टली क्या होता है, कुछ लोग डेयरी प्रोडक्शन के लिए बेटा डेयरी खोलते हैं तो वो ज़्यादा क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर आपकी काव और बफेलो को पालते हैं। लेकिन आपने देखा मोस्टली घर में क्या करते हैं, अपनी दूध, सिर्फ अपने हाउस की दूध की प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, काव और बफेलो को पाला जाता है। तो आपने देखा ये मोस्टली आपके
क्या काम आती है? मिल्क के लिए, मीट, लेदर और ट्रांसपोर्टेशन का पर्पस के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। आपने ये आपकी जो आपकी काउ है, ये ड्रायर रीजन जैसे कि आपके गुजरात और राजस्थान में मेनली सच कंट्रीज में क्या होती है, आपका इसका मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।